सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कितने नंबर का आ सकता है सर जी? 10 to 16 मार्क्स। इसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अब एक बैलेंस शीट देता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल 10, और आप ये नोट भी कर सकते हो, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू मैं पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे दूंगा तुम्हें। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10, 60,000, PNL 80,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000, परसेंटेज डिबेंचर्स 50,000। परसेंट के आगे लिख देना यार, 12% है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 24,000, गुडविल 1,00,000, क्रेडिटर्स 50,000। और लाइबिलिटी साइड का टोटल बताओगे? 160, 190, 240, 290, 314,000। प्लांट एंड मशीनरी 20,000, फर्नीचर 50,000, स्टॉक कितना हो गया? 64 हो गया ना बस टोटल। बैलेंस शीट मैच होगी बेटा? सर जी ये बैलेंस शीट किसकी है? मान लो बेटा एक्स लिमिटेड की है ये बैलेंस शीट। ठीक है जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसी है बैलेंस शीट? इसका मतलब क्या, अगर PNL उधर आ रहा तो लॉस है। सही है बैलेंस शीट ये? आपको इसमें मुझे प्रॉब्लम बतानी है इस बैलेंस, मैं प्रिंसिपली नहीं कह रहा, प्रिंसिपली बिल्कुल सही बैलेंस शीट है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको क्या लग रहा है इसका बिजनेस कैसा चल रहा है इसका? कैश नहीं है सर। चलो आप एक काम करो, चलो कैश आपने बोल दिया, ठीक है चलो मान के चल लेते हैं कैश नहीं है बिजनेस में। कैश ही नहीं है सर, लिक्विडिटी इश्यूज है ना, और प्रॉब्लम्स, लॉस चल रहा है भाई साहब। ये लॉस एक साल का है या एज ऑन डेट है? एज ऑन डेट, क्योंकि अगर बैलेंस शीट अगर मैं बोलूँगा कि ये 31 मार्च 2022 की है, तो भाई ये PNL का बैलेंस भी तो 31 मार्च 2022 का है, विच प्रूव्स कि भाई तू जितने भी साल से बिजनेस कर रहा हो एज ऑन डेट आज तक नुकसान में ही है तू, समझ रहे हो? ये ड्यूरिंग द ईयर थोड़ा है, ये तो मेरी बिगनिंग से लेके एंड तक नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, 80,000 का नुकसान चल रहा है। सो यू आर इन लॉसेस, और प्रॉब्लम्स। तो अगर मैं एक बार हाईलाइट करूँ ना सर जी, ये एक प्रॉब्लम है सर। हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो अगर ये मार्च के महीने की सैलरी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये जब हमने डिटेल देखी, अगर 6 महीने से आउटस्टैंडिंग है तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो ये यस आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग, क्योंकि अगर लॉजिक लगाया जाए 50,000 के ऊपर 12% होता है 6,000, 24,000 का आउटस्टैंडिंग चल रहा है सर, आपने 4 साल से इंटरेस्ट पे नहीं करा होगा, ये प्रॉब्लम है। आप मुझे बताइए इस कंपनी का मालिक कौन बेटा? जो मालिक नहीं लगता, देखो क्या रहा है, मत ही बोलियो ठीक है। इस कंपनी का मालिक मैं हूँ,
मेरे को आप मुझे एक बात बताइए, मुझे प्रोडक्शन करनी है, मेरे पास कैश है नहीं। सो बेसिकली कैश की प्रॉब्लम मेरे बिजनेस में चल रही है। कोई बात नहीं सर, लोन ले लो ना सर, आपसे मैं लोन लेने आया हूँ। आप कहोगे लोन दे देंगे, पहले बैलेंस शीट दिखाओ, मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाया, आप लोन दोगे मुझे? ओके भाई साहब, आपने जो लोन चल रहा है ना आपका, 4 साल से नहीं दे रखा, आपका मार्केट में नाम खराब है, समझ रहे हो? तो मुझे लोन भी नहीं मिलेगा। मैं आपके पास आया हूँ, मैं कह रहा हूँ यार देखो मुझे लोन तो नहीं मिलेगा, मैं तो मालिक बना लेता हूँ इस कंपनी में, तो मुझे पैसा दो तो मैं इक्विटी दे देता हूँ, लेने को तैयार हो? रीज़न यार भाई साहब, आपका मॉडल जो है ना वो लॉस मेकिंग मॉडल है। आप 80,000 के लॉस पे खड़े हो, और होता है 1 साल का प्रॉफिट, आप आज तक की लाइफ टाइम में ही लॉस है, तो हमको तो आपकी कंपनी में मालिक भी नहीं बनना। मेरे को बताइए, मैं जगह जगह बैंक में जाऊंगा, नए शेयर इशू करना चाहूंगा, क्या मेरे को कोई पैसा देगा? अगर मेरे को कोई पैसा नहीं देगा तो क्या मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी कर पाऊंगा? और मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगा तो मैं बेच पाऊंगा? और मैं बेच नहीं पाया तो इनको पेमेंट कैसे करूंगा मैं, समझ रहे हो? तो ये मेरी बैलेंस शीट और ख़राब होती जाएगी बेटे, आई एम स्ट्रक। यही होता है, ये रियल एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ आपको, यही तो चेन है। अगर मैं बेच के पैसा नहीं लाऊंगा तो मैं पेमेंट्स कैसे करूंगा मैं? तो बेसिकली मैंने अब अगली मीटिंग करी मेरे इक्विटी शेयर होल्डर वालों से, मैंने कहा भाई मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा बैलेंस शीट की हालत देख रहे हो? मैंने कहा कि डायरेक्टर्स कह रहे कि हम लोग जैसा सोच रहे थे वैसा रेवेन्यूज जनरेट नहीं हुए, एंड नोबडी इज़ गिविंग लोन टू अस। मैंने इक्विटी वालों को बोला, आप और इक्विटी लोग कह रहे कैसी बातें कर रहे हो, इंटरेस्ट नहीं मिला डिबेंचर को, हमको 10 साल से डिविडेंड नहीं दिया तुमने, स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस तुम्हारा 10 का था, 10 का ही चल रहा है, समझ रहे हो? तो बेसिकली मुझे, मैं एक ऐसे सिचुएशन पे आ जाऊंगा जहां पर मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, क्लोज कर दो भाई बिजनेस को, कुछ नहीं हो सकता। हो सकता मैनेजमेंट डिसाइड करे कि हमारा मॉडल नहीं चलेगा भाई, इंडिया के अंदर नहीं चल रहा है, ये हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, हाले डेविडसन ने पूरा एग्जिट कर दिया, समझ रहे हो? तो ऐसे थोड़ा है कि नहीं करती कंपनी, अगर कंपनी को लग रहा है कि हमारा मॉडल नहीं चलेगा तो बंद कर देती है भाई कंपनी। लेकिन दूसरा ऑप्शन होता है, मैनेजमेंट को लग रहा है सर बिजनेस मॉडल इज स्ट्रांग, वी नीड फ्यू मोर ईयर्स एंड वी विल टर्न अराउंड। दो ही चीज़ें हो सकती है ना। तो डायरेक्टर्स इनको बुला के कहते हैं कि देखो हम डेफिनेटली प्रॉफिट में आएंगे, वी आर पॉजिटिव अबाउट द बिजनेस मॉडल, आप सिर्फ, और मैं इन सबके साथ मीटिंग करूँगा, आप सिर्फ हमें सपोर्ट करिए। हो गया, किस कैसा सपोर्ट चाहिए? डायरेक्टर ने बोला मुझे बैलेंस शीट बदलनी पड़ेगी सर, क्योंकि मैं इस बैलेंस शीट को बाहर लेके जाता हूँ तो कोई मेरे से बात तक नहीं करता। मैं इस बैलेंस शीट को लेके अगर लोन लेने जाता हूँ तो कोई देता ही नहीं है। तो बेसिकली मुझे अपने इंटरनली ही जो स्टेक होल्डर्स हैं, इक्विटी प्रेफरेंस, मेरे को उनसे मदद लेनी पड़ेगी। मैं उन्हें बोलूँगा भाई अपनी लायबिलिटी काटो थोड़ी सी, क्योंकि तुम अपनी लायबिलिटी काटोगे, इक्विटी तेरा 1 लाख है ना, 50,000 हो जाएगा। हो गया, क्यों हो जाएगा? मैंने कहा देख, अगर नहीं हुआ ना तो कंपनी वैसी बंद हो रही है, कुछ नहीं मिलना, समझ रहे हो? आप अगर स्टेक होल्डर दो, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं है भाई, मैं बंद कर दूंगा। आपने कहा कोई और ऑप्शन नहीं है, मैंने कहा है, अगर हम इस बैलेंस शीट को सुधार दें तो हो सकता है मैं बाहर जाऊं तो मुझे कोई लोन दे, इक्विटी हो, तो मे बी हम स्टार्ट कर सकें। उस चीज़ को बोला जाता है बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक स्कीम होती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक स्कीम होती है किसके बीच में सर जी? बिटवीन कंपनी एंड स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स बोले तो कोई भी भाई, इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर्स एम्प्लॉइज क्रेडिटर्स डेटर्स एक्सेट्रा। ये जो स्कीम होती है सर,
ये अप्रूव कराई जाती है बाय कोर्ट, ताकि बाद में ऐसा ना हो जाए कि कोई मुकर जाए बाद में। जो भी आपके साथ में टर्म्स की बात करूंगा वो कोर्ट में अप्रूव होगी। और हमें क्या करना है, इस स्कीम से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए होंगे, हमें उन पॉइंट्स की जर्नल एंट्री डालनी है और उसके बाद बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करना है। हमने क्या करना है सर जी, हमने स्कीम का पूरा क्या क्या बातें हो रही हैं उसकी एंट्रीज डालनी है, और उससे क्या होगा, मेरी बैलेंस शीट चेंज हो जाएगी, मेरी बैलेंस शीट अच्छी बन जाएगी, और वो बैलेंस शीट मैं बनाकर आपको समझ रहे। हाँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम है बिटवीन कंपनी एंड स्टेक होल्डर्स। चलिए बच्चे नोट सर, अब आप ये बताओ कि कैसे होगी ये चीज़ें। तो मैं इसी क्वेश्चन में ही आगे कंटिन्यूड चल रहा, ये क्वेश्चन चल ही रहा है आपका, ठीक है, नोट कर लिया, आगे बोलूँ। सबसे पहला पॉइंट, आई मीन ये क्वेश्चन के अंदर ही है, चलो ऐसे लिख लो, फॉलोइंग स्कीम of reconstruction is approved by court। तो नीचे जो मैं लिखूंगा वो आपका क्या हो गया बेटा, अप्रूव हो गया बच्चे। एक बात बताइए, आपके हिसाब से मैं इक्विटी शेयर वाले से क्या बात करूंगा, कि लायबिलिटी और बढ़ा देते हैं ज़िंदगी में या कम कर देगा? कम कर देगा। मैंने बोलूँगा यार देखो मैंने आपको 1,00,000 रुपए देना है ना, टेक्निकली बुक वैल्यू तो यही है ना। अच्छा इसका क्या मतलब है आप मुझे बताओगे थोड़ा सा? कहने से नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं? 10,000। नंबर ऑफ़ शेयर है जी 10,000, और पार वैल्यू कितनी है जी? और अभी पार वैल्यू भी यही है, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 10 ही है। पेड अप 10, 10 ही है ना अभी, क्योंकि और कोई एरियाज वेरियस तो चल नहीं रहा। तो मैंने सबसे पहले इक्विटी वालों से बात करी, और इक्विटी वालों को मैंने ये बोला is to be reduced to rupees 2 each। oh my god, मेरी उनसे क्या डिमांड है? पार वैल्यू जो है 10 रुपए से कितनी कर दो ना? अच्छा रिडक्शन कितने की हो रही है? 8 की, फ्रॉम 10 to 2, तो 8 रुपए इज टू बी रिड्यूस्ड। अच्छा सर एक बात बताओ, पहले पार वैल्यू क्या थी? तो पेड अप क्या मान रहा था? पेड अप भी यही थी ना, पहले की कहानी क्या है, पार वैल्यू 10, पेड अप और कॉल्ड, आई एम सॉरी, पेड अप और कॉल्ड अप 10। अभी क्या कह रहा हूँ मैं, अभी पार वैल्यू कितनी? तो पेड अप 10 होगा, सो दैट मीन्स दिस इज ऑटोमेटिक रिडक्शन। अगर मैं पार वैल्यू गिरा रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है भाई कि पैसा उड़ गया भाई। हाँ अगर मान ले मैं बोलता कि तुम्हारा देख वो वाली जो बात है मैं बोल दूंगा अभी, रुक जा। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन बोले कि पार वैल्यू सेम है लेकिन पेड अप को गिरा दिया, तो नुकसान ही है।
क्योंकि फिर तो मैं तुमसे और मांग सकता हूँ, क्योंकि आपकी लायबिलिटी होती है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड, समझ रहे हो? तो मैं बोल दूंगा उस बारे में। अभी आप ये समझो, अगर मैंने पार वैल्यू ही गिरा दी, क्या मैं कह सकता हूँ इट ऑटोमेटिक मींस, ऑटोमेटिकली इट मींस कि आपने भाई साहब कॉल्ड अप भी गिरा दी और पेड अप भी गिरा दी? ऑब्वियस बात है ना ये। अब आप मुझे बता दो सर, इसकी एंट्री कैसे डलेगी? यानी कि जो लायबिलिटी एक शेयर पे तुम 10 की बना के बैठे थे, अब वो लायबिलिटी 2 की होनी चाहिए। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 × 10, मैं पूरा ख़त्म कर रहा हूँ पहले, 10,000 × 10 यानी कि 1,00,000। नया कैपिटल कितना आएगा बेटा? 10,000 × मुझे फायदा कितने का है? 80,000। इसको डाला जाता है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है ना? इसको डाला जाता है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। और सर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम भी कुछ होता है? हाँ बच्चे, होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। चलिए, कुणाल का भी ग्रुप 2 ही है ना दोस्त? यस सर। ठीक, बोलिए, कोई दिक्कत? तो सर अगर मैं आपको बोलूं इक्विटी शेयर कैपिटल वाले जो 10 रुपये के थे वो 2 रुपये के हो गए, आप मुझे बताइए, ये भाई साहब पहले मैंने पूरा कैपिटल ख़त्म करा 20,000 से क्रिएट कर दिया, ये गेन है लॉस है? गेन है ये आपको, 1,00,000 की लायबिलिटी को तुम 20,000 रुपये लेकर आ गए, समझ रहे हो? मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ही बात करी, मैंने कहा आपका क्लेम कितने का है जी? 60,000। इसके साथ में ना 12% लिख देना, 12% मतलब रेट ऑफ डिविडेंड, 12% डिविडेंड मिलता है। और डिविडेंड किस पे निकलता है? फेस वैल्यू। पर मेरा एक सवाल है तुमसे, अगर पार वैल्यू 10 है, अभी पार वैल्यू कितनी है इसकी? पेड अप, कॉल्ड अप, तो डिविडेंड किस पे निकलेगा? 10 पे। वो 10 पार है कि पेड अप है? डिविडेंड पेड अप होता है, यानी कि अगर मान लो पार वैल्यू होती ना 10 और तुमने पे करा होता 5 रुपये, तो तुमको डिविडेंड 5 रुपये पे 12% मिलता। ये बात ध्यान है ना? सो डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन पेड अप वैल्यू। सर लेकिन अभी क्यों बता रहे हो, आइए एक बार समझते हैं। मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बात करी, तो दूसरा पॉइंट ये आया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। ओके सर, इसका क्या मतलब हुआ 40% रिड्यूस? वही मतलब है बेटा, पहले पार वैल्यू क्या थी, अब क्या हो जाएगी? और बेटे अगर पार वैल्यू ही 6 हो गई है तो कॉल्ड अप और वो तो वैसे ही 6 हो जाएगा ना, पार वैल्यू से ऊपर थोड़ा ना होता है कॉल्ड अप और वो, समझ रहे हो? इसका मतलब हम क्या एंट्री डालेंगे जी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने शेयर थे? 6,000। तो पहले तो मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, मैंने कहा भाई पहले 0 कर दो, उसके बाद न्यू 6,000 × 6, 36,000। और आपको जो गेन हुआ है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 24,000। क्यों जी? ऑनलाइन भी सबको क्लियर है ना बच्चे? क्लियर है? यस सर।
ये वाला दिखता है, बता पाओगे नहीं बता पाओगे, पेचीदार होगा ये टेक्निकल, वेरी टेक्निकल। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आर एन एरियस फॉर पास्ट फोर ईयर, पिछले चार साल से आपने इनको डिविडेंड नहीं दिया। प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव इन नेचर, समझते हो क्यूमुलेटिव का मतलब? क्यूमुलेटिव होता है भाई, अगर पिछले साल का डिविडेंड नहीं दिया ना तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन पैसा आएगा उस दिन ले लेंगे। कंपनी वेव्ड ऑफ 3/4 ऑफ डिविडेंड, कंपनी ने वेव ऑफ कर दिया, कंपनी ने बोला 3/4 हम नहीं देंगे, एंड पेड 1/4 इमीडिएटली। अब आप बोलोगे सर पैसा तो है नहीं, बेटे मैं वहाँ पे कैश डाल देता तो हो जाता ना, बस अभी स्टॉक को तोड़ दूंगा अभी थोड़ा बहुत कैश में तो आ जाएगा ना आंसर, तो बेसिकली आप टू कैश कर देना उसको, ओवरड्राफ्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री बता दो। अच्छा एक साल का डिविडेंड है कितना सर? देखो 60, अच्छा 60,000 का था ना पहले, तो 12% कितना हुआ? 7,200। कितने साल से एरियर्स है? तो 7,200 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28,000, उसमें से आपने क्या कर दिया वेव ऑफ कितना कर दिया और पे कितना करोगे, तो 7,200 की पेमेंट कर ली, एंट्री अब। कंपनी को फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है, 28,800 की पेमेंट 7,200 में सेटल हो रही है, एंट्री है ना। अच्छा जेब से कितना जा रहा है, ये तो डिफाइंड बात है। लायबिलिटी कितने की खत्म हो रही है? 28,000। डिविडेंड पेबल और जो फायदा हो गया वो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, कितने रुपए? 21। सही है, सर तो एकदम सही लग रहा है सर, बिल्कुल सही है बेटे, बिल्कुल सही जा रहे हो। लायबिलिटी 28,800 की खत्म करी है ना तुमने, लायबिलिटी है कहाँ? मुझे तो दिख नहीं रही, तुमको कहाँ दिख रही है ये लायबिलिटी? कोई ऐसी लायबिलिटी भी होती है क्या जो बुक्स में ना दिखे? प्रेफरेंस शेयर की जो लायबिलिटी है डिविडेंड की वो बुक्ड है क्या? तो आज जब तुम पेमेंट कर रहे हो तो मतलब जो चीज़ क्रिएटेड ही नहीं है तुम उसको ख़त्म कर रहे हो, समझ रहे हो तुम क्या बोल रहा हूँ? तो एग्जांपल आपने ऐसा दिया। नहीं हाँ मतलब मेरी गलती है बस। ठीक है अब एक चीज़ समझिए, ये आपकी लायबिलिटी साइड है, पहले लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ी ना? नहीं क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है, डिविडेंड पेबल बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुमने 7,200 पे करे हैं फॉर विच यू हैड नो लायबिलिटी इन योर बुक्स, तुमको नुकसान हुआ, तुम डेबिट करोगे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 7,200, बिकॉज आप 7,200 किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट पे ही नहीं कर रहे हो, आपको दिख तो रहा है सर फ़ायदा तो लग रहा है, लेकिन बेटे बुक के एंगल से देखो ना बच्चे, क्या कोई लायबिलिटी खत्म हो रही है? नहीं हो रही सर,
आपकी जेब से पैसा जा रहा है और कोई लायबिलिटी ख़त्म भी नहीं हो रही, तो रिकंस्ट्रक्शन। बोलिए क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट ना मतलब पेचीदा है, मैंने यहीं पे ही बना दिया। हाँ जी, ऑनलाइन में भी क्लियर है सबको? इतने अच्छे अच्छे नोट्स बन रहे हैं यार तुम्हारे, जितने अच्छे नोट्स मैं बनाता हूँ कोई बना के देता तुम्हें? दुष्यंत सर बनाते हैं? नहीं सर, वो बोलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। हाँ अच्छा, थोड़ा मुझे भी दे देना यार। सर डिविडेंड की बात हो गई सर। डिबेंचर होल्डर्स विल बी पेड ऑफ सर। हाँ जी मैडम। सर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन तो मतलब ऐसे फेक मेमोरेंडम अकाउंट टाइप है ना? नहीं ये फेयर है, ये रफ नहीं है। मैं रिकंस्ट्रक्शन को बंद भी करके दिखाऊंगा आपको। तो सर उससे पे कैसे करेंगे? बैंक में तो कुछ है ही आप नहीं। पे नहीं कर मैडम, आप पे नहीं कर रहे हो, पे तो आप बैंक से करते हो। बट मैं इसको लॉस इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरी कोई लायबिलिटी भी नहीं है और मेरी जेब से पैसा जा रहा है, मैं इसलिए इसको डेबिट कर रहा हूँ। इस okay. में से पे नहीं कर रहे, मेरे को तो पैसा देना है, वो तो बैंक अकाउंट से दे रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? यस। डिबेंचर होल्डर्स विल बी पेड ऑफ इमीडिएटली इफ डिबेंचर होल्डर्स अग्री टू वेव ऑफ एंटायर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मैं डिबेंचर होल्डर को बोला भाई जितना पैसा ना तेरे को दे दूंगा मैं, तू ब्याज भूल गया अपना। डिबेंचर होल्डर ने बोला डन, एंट्री बना पाओगे? डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दो, उससे डिबेंचर का लेजर बंद हो जाएगा। परसेंटेज डिबेंचर्स कितना अमाउंट है बच्चे? 50,000। इनको मैं जब पेमेंट कर दूंगा कह सकता हूँ टू बैंक हो जाएगा? सर मेरे पास पैसा तो है नहीं बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट बना देंगे ना बेटे। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या चीज़ बंद हो जाएगी? बोलिए क्लियर है? आसान है ना बेटा चैप्टर? आता है एग्जाम में, मतलब दो अटेम्प्ट में एक बार आता है। पिछले में आया है शायद, मैं भूल गया। इस अटेम्प्ट में अमेलगमेशन था वो था, इस अटेम्प्ट में शायद से नहीं आया, अब आएगा। ठीक है आइए सर, और क्या बचा हुआ है? क्रेडिटर्स सैलरी की भी बात है ना? फिफ्टी परसेंट ऑफ सैलरी इज वेव्ड ऑफ। यार अभी जब दोनों स्टार्ट होंगे ना इतने रहेंगे, 15 तक मैक्सिमम, 15। ऑनलाइन 10 है, तुम 7-8 हो, इसमें कम हो सकते हैं क्योंकि धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे रिजल्ट भी आ जाता है और वो होता है ना। फिफ्टी परसेंट ऑफ द सैलरी इज वेव्ड ऑफ बस, ठीक है 50% ऑफ द सैलरी इज वेव्ड ऑफ, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने वेव बेटा थी? कितनी आउटस्टैंडिंग? 30। तो भाई साहब सारी थोड़ा ना खत्म कर दोगे? 15,000 खत्म करो और इसको कहाँ डाल दोगे? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 15,000। सर यहाँ पर
क्या करेगा बैंक करके? ओवरड्राफ्ट बढ़ा देंगे सर, पेमेंट क्यों करेगा इनको भाई? मैं एम्प्लॉय को सिर्फ ये बोला है तुमको 30,000 देने हैं ना, मैं उनको बोला अब 15,000 देना है, पेमेंट थोड़ी ना कर रहा हूँ उनको। ऐसे कैसे सर, एम्प्लॉय थोड़ी मानेगा, बहुत से मना रहे हैं ना। मैं आपको हर फ्राइडे छुट्टी दे दूंगा। ठीक है यार, एम्प्लॉई नहीं मानेगा, एम्प्लॉई मानेगा कहीं नौकरी ढूंढ लेगा चला जाएगा तो चला जाएगा, समझ रहे? अब आप मुझे बताइए सर, ये हो गया। अच्छा सर, लायबिलिटी साइड की तो मैंने बात कर दी, अब मैं आपसे बात करता हूँ। जब भी रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, कोर्ट ऑर्डर करता है कि आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ना रिवैल्यू करें, ठीक है? सो बेसिकली आपको एक पॉइंट हमेशा मिलेगा, आप ना अपने एसेट्स को क्या करोगे बच्चे, रिवैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो अगर मैं बात करूँ गुडविल के ऊपर, स्पेशल बात कर रही है, गुडविल की बात नहीं करूँगा। प्लांट एंड मशीनरी 30,000 कर देते हैं, फर्नीचर भी 30,000 कर देते हैं। तो जब तुमने रीवैल्यू करा तो प्लांट एंड मशीनरी कितने गए? 30,000 का, और फर्नीचर भी कितने गए? 30,000। आप मुझे बता दीजिए तुम्हारी प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू क्या थी? 20। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गई? बढ़ गई। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने से डेबिट करोगे और क्रेडिट क्या कर दोगे? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। फर्नीचर बुक्स में कितने का था? 50। तुमने फर्नीचर को 30,000 का कर दिया, तो फर्नीचर 20,000 और डेबिट क्या कर दूंगा? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। सही है सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, नोट लिखना। We will always write off the following even if question is silent। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखूँगा और आपको क्वेश्चन का इंतज़ार नहीं करना है कि वो बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अगर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं तो आप उसको बैलेंस शीट से उड़ा देंगे। पहली चीज़ क्या है जी? पीएनएल का डेबिट बैलेंस। देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का भी तो नेचर तुम समझते ही हो, ये वो खर्चा होता है जो धीरे धीरे पीएनएल में जाना होता है, याद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस? तो बेसिकली अगर बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे तुमको पीएनएल डेबिट भी दिख रहा है, प्रिलिमिनरी भी दिख रहा है, तो प्रिलिमिनरी को भी खत्म कर देंगे जी। और गुडविल क्यों राइट ऑफ करी बेटे? जिस कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा हो उसमें गुडविल अच्छी नहीं लगती बेटे, समझ रहे हो? और प्रिलिमिनरी के अलावा ना, मतलब यहीं पे ही लिख सकते हो, एक अंडरराइटिंग कमीशन होता है। सर ये क्या होता है बेटा? ये भी खर्चे होते हैं जो पीएनएल में नहीं गए होते। और एक और होता है तुम्हारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये तो तुमने फाउंडेशन में भी तुमको पता ही है, लॉस ऑन इशू है, डिस्काउंट ऑन इशू, डेफर्ड रेवेन्यू होता है ना, है ना? एक नोट और लिख लेना,
वी विल क्या दोस्त, अंडर राइटिंग कमीशन होता है। देख मान लिया अगर मैं कंपनी हूँ, मैं अपने शेयर बेचना चाहता हूँ, इशू ऑफ शेयर, मेरे को डर होता है ना पब्लिक लेगी नहीं लेगी, तो मैं एक अंडर राइटर के थ्रू बेचता हूँ जिसमें वो गारंटी लेता है कि कराया था ना मैंने, नहीं ये लॉ में आया था। अच्छा मैंने नहीं करा, आपने भी कराया था लेकिन लॉ में आया था, लॉ में पूरा पढ़ा था। वेरी सैड यार, मैंने पढ़ाया तेरे को याद नहीं यार। तू कौन सी टीम को फॉलो करता है? मैं पोर्टुगल। हारेगी बेटा। नहीं तो सर क्या बोल रहे हो, वैसे भी आपसे बोलते उल्टा ही होता है यार। अब तो इतना प्रूफ कर दिया मैंने। लक्ष्य जो स्टेटस में लगाता हूँ बता, वही जीतती है ना टीम? वही जीतती है ना टीम? मैंने मैंने जब भी अब इंडिया पाकिस्तान के स्टेटस पे मैंने डाला था और जीती है, बहुत बड़ी बात थी। आशीष चुप हुआ था, नहीं तो बोला ही जा रहा था ग्रुप में, मैं तो रिमूव करने वाला था। वी विल जब मैं नहीं लगाता इंडिया हार जाती है। बेटे एक क्रिकेट की एक सेंस होती है, मुझे अब पता है, मैं पहले तो मजाक में डालता था, मैं पता लग जाता है इंडिया हारेगी नहीं लगाता, क्योंकि अगर मैंने लगाया तो एक पता लग जाता है सर। हाँ वी विल राइट ऑफ पेटेंट्स या फिर कॉपीराइट्स, ओनली इफ इट इज मेंशनड इन द क्वेश्चन। देखो बच्चे कई बार बच्चा क्या करता है, वो सोचता है गुडविल है ना मतलब इनटेंजिबल सारे उड़ा देंगे, ऐसे नहीं होता। तुम्हारे पास अगर बैलेंस शीट में कोई फॉर्मूला है कोई चीज़ का, पेटेंट्स कॉपीराइट, तो उसको ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बोलेगा तो राइट ऑफ करना, नहीं बोलेगा तो आपको राइट ऑफ नहीं करना। सर जी ऊपर वाले पॉइंट की एंट्री तो बता दो, तो आप मुझे बता दो, मुझे बता दो कौन सी चीज़ मुझे राइट ऑफ करनी करनी है। गुडविल ख़त्म कैसे करूं? टू गुडविल 1,00,000 रुपए डेबिट क्या करूंगा? PNL का डेबिट बैलेंस है, खत्म कैसे करूं? रिकंस्ट्रक्शन, इसका लेजर बनाएंगे, ये गेन्स और लॉसेस बुक कर रहे हो। उससे बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। देख क्या है, अकाउंट्स ये नहीं कहता कि छुपा लो और किसी को बताना मत, लेकिन इससे क्या होगा, तेरी बैलेंस शीट एक प्राइमा फेसी हर बहुत ज्यादा खराब नहीं दिखेगी, लेकिन ये एक्सेस तो होता है ना आउटसाइडर के पास कि कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में क्या-क्या है। हाँ, तो हाँ। बात तो सीन हुई ना, वो डिटेल्ड बात तो वही हुई, ठीक है अगर कोई डिटेल जा रहा है, बट एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट आपकी थोड़ी सी बैलेंस शीट इंप्रूव होगी। ठीक है तो PNL कितने से खत्म करूंगा बेटा, और डेबिट क्या कर दूंगा? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, हाँ मतलब एक ही कर देना पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। सर अब हमने क्या करना है, एक बात बताओ, अब हम बनाएंगे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का लेजर। अभी तक तुमने जितनी भी एंट्री डाली वो पोस्ट करोगे, रिकंस्ट्रक्शन को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिजर्व में। चलो बना के देखते हैं एक बार, स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहला वाला बताइए, पहली एंट्री में रिकंस्ट्रक्शन कितने से क्रेडिट करा है? 80,000। तो क्या डाल दूंगा, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000। अगला बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 24,000। आप समझ रहे हो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन की क्रेडिट साइड क्या रिफ्लेक्ट करे, दीज आर द गेन्स, और डेबिट साइड पर होगा वो लॉसेस होगा। तो गेन अगर ज्यादा होंगे लॉसेस कम होंगे, तो गेन का बैलेंसिंग फिगर कहाँ डाल दोगे? कैपिटल रिजर्व के अंदर।
अगली एंट्री क्या है भाई साहब? ₹10 दो रुपए हो गई थी उसके। अगली एंट्री बताइए, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। बस बेटे कुछ बचा नहीं इसमें, अब 7200 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पर कितना अमाउंट? बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 15,000 था ना। टू फर्नीचर यार ये ना नुकसान ज़्यादा आ गए मेरे को, ना उस तरफ दिखाना था। मैं तो बताता हूँ क्या करो, एक मिनट। हालांकि दूसरी साइड भी आ सकता है, बट अभी मैं ऐसा पंगा अभी नहीं डालना चाह रहा। प्लांट एंड मशीनरी को ना 3,00,000 कर दो। हाँ, रिवैल्यू 3,00,000। तो 280 हो गया ना, बस एकदम हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। देख लो 2 मिनट के। तो प्लांट एंड मशीनरी के नाम से कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में कितना आ जाएगा रे? 280,000। PNL खत्म हो रहा था जी 80,000 से। मुझे आप बता दीजिए बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है भाई साहब? हाँ, मतलब गेन्स और एक्सपेंसेस ही हैं। जो भी आएगा उसको तुम लिख दोगे कैपिटल रिजर्व। इतने अच्छे नोट्स, वाव। चार कितना? 4,23,000। दो अच्छा ठीक। 15,800 कितना आ रहा है मैडम? 2,15,800। 2,15,800 इतने कलरफुल नोट्स हैं। ओ हारेगी भाई फॉर्च्यून, ओन गोल हो जाएगा। फुटबॉल में क्या क्रेज है, तो मजा ही नहीं आता देखना। चारा आयुष है जी, कैपिटल रिजर्व आ गया सर। आगे मेरे को नहीं बताना है, मैंने आपका चेक करता हूँ कितनी अकाउंट्स आती है आपको। क्या आप बैलेंस शीट मैच कर दोगे रीड्राफ्टेड वाली? तुम्हारी ये बैलेंस शीट है, नीचे कुछ एंट्रीज है उसका इम्पैक्ट डाल दो। जैसे कि गुडविल उड़ा दो, प्लांट एंड मशीनरी 280 की हो जाएगी। ऐसे कॉम्पोनेंट वाइज जो जो वैल्यू रिवाइज करी है वो डालो, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। एक बार करो, ज़रा ट्राई करो। PNL की तुमने एंट्री डाल के ख़त्म कर दी ना। उसको वो तो पता है, उसे उड़ाने में मजा आ रहा है ना। आपने एक ही चीज बोली ना, नमित ने बर्थडे की पार्टी नहीं दी। किसी को भी नहीं दी। गुड लक्ष्य तो एकदम यार, दिमाग पॉलिश हो गया लक्ष्य का लग रहा। क्रेडिटर्स के साथ करा था यार कुछ शायद से। हाँ तो ठीक है, क्रेडिटर वैसे ही रहेंगे। एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट है।
बना दो जी एक बार। सब बच्चों को ऑनलाइन में क्लियर है? करण, ज्योमी 11, नैन्सी है क्या ज्योमी 11? हाँ जी सर। क्या डाल दिया? तो बैंक डाल दिया तो बैंक का बैलेंस निकाल दे, ओपनिंग बैलेंस जीरो है तो टू बैंक कर रहा, ओवरड्राफ्ट बना दे और क्या, ये फुटबॉल देखता रह जाएगा। हाँ, क्रेडिट कर नहीं रहा बैंक को, सीआर कर रहा बस। पांशु जी हो रहा है? बैंक का एसेट नहीं है ना तेरा, बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्या है? जीरो। और तूने हर बार बैंक को क्रेडिट करा है तो तेरा नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, ओवरड्राफ्ट हो गया ना। हाँ तो तेरा बैंक का ओवरड्राफ्ट है, वो जो 57 आया है वो बैंक वोट ही इधर आएगा, लायबिलिटी है। और इधर दिखा दे, ओवरड्राफ्ट दिखा दे। नमित जी की बैलेंस शीट मैच्ड? हाँ सर, टोटल करना है लेकिन इतना कॉन्फिडेंस मैं बताऊं क्या नहीं लिखा तूने? देखा नहीं अभी तक मैंने? हाँ सर, हो गया सर, हो गया। सर रुको, कर रहे हैं क्या? कैपिटल रिजर्व लिखा? हाँ देख रहा, मन की बात पढ़ लेता हूँ मैं भी। ऑनलाइन में निकला किसी का? पायल जी, ऋतु, कशिका जी आया, आपका बच्चे खुशी, राघव, दिव्यांश निकल रहा है? यस सर, डन। ओके गुड, वेरी 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 गुड। कितने से मैच हुआ बच्चे, टोटल कितना आ रहा है? 3,94,000 आ गया करण का भी। करण इंटेलिजेंट हो गया यार, बड़ा तुमसे ये वाली बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही तुमसे है? ऐसे जीतेगी पोर्चुगल?
तीन ही चीजें आएंगी, प्लांट मशीनरी 3 लाख, फर्नीचर 30,000 और स्टॉक 64,000, 20,000 महीना, 2,80,000 यार। अच्छा सॉरी, 2,80,000 तो बड़ी है। हाँ 2,80,000 से तो बड़ी है, सॉरी। प्लांटर मशीन 3 लाख बताओगे एक बार, कंपोनेंट क्या क्या था और फर्नीचर 30,000 और सबसे आखिरी में हुआ तेरा तो फिर भी बोल रहा है स्टॉक और बस बस हो गया। केजरीवाल को जिताना है इस बार एमसीडी में। लक्ष्य जी किसको वोट दे रहे हो? जो जीत जाएगी बाद में वोट देगा। तेरा तो उधर का आईडी होगा ना, यूपी का? सॉरी हरियाणा। तो तू अभी फिर घर गया हुआ था अभी, मतलब गुड़गांव से आ रहा है अभी? तो पीजी छोड़ दिया होगा, फ्लैट जो भी। और दीपांशु का रहता है सेंटर से है ना? अच्छा, अच्छा तो वहीं से आए हो? कितना दूर है, कितना घंटा? 2 घंटा सर जी, बैलेंस शीट मैच हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, पेपर में ना ध्यान रखना, हमें ये बैलेंस शीट पहले तो, अभी तो पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वो है, हमें इसको वर्टिकल बनाना होगा। वर्टिकल मतलब जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज वैसे। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, आपको लिखना पड़ेगा एंड रिड्यूस्ड। हाँ, एंड रिड्यूस का मतलब ये होता है कि ये कंपनी रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इसकी हो रखी है, क्योंकि बेटे आपको छिपाना भी नहीं है ना इन्वेस्टर को। अब अच्छा, अब मुझे बताओ, अब ये बैलेंस शीट कुछ बेटर लग रही है? नहीं लग रही? Yes, लग रही है। लेकिन सर क्या इंटेंशन अकाउंट्स की ये होती है कि हम ऐसे चेंजेस करके बताएं ही ना? ऐसा नहीं। तो इसलिए आप टॉप में क्या लिख रहे हो बेटा, एंड रिड्यूस। एंड रिड्यूस का मतलब ये होता है कि ये कंपनी ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करा हुआ है। बिजनेस चल रहा है तेरा, बस चलता रहेगा। हाँ नहीं, उनका देख, अगर अभी, अब हो सकता है मैंने उनके साथ क्या एग्रीमेंट करा है कि फ्यूचर में अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली मैं आपके लिए बेटर करूँगा, वो तो एग्रीमेंट बेस्ड होता, समझ रहे? और आपको ये जो एंड रिड्यूस लिखना होता है ना, ये आपको कितने साल तक लिखना पड़ता है बेटा? अप टू 5 ईयर्स। जैसे ये साल हो गया, ठीक है, इसके अलावा और कितने साल लिखोगे आप? 4 साल। 5 बार आपको एंड रिड्यूस्ड लिखना होता है। तो थ्योरेटिकल बात है, तुमको पेपर में आएगा एंड रिड्यूस लिखना तुमको। हाँ जी बोलिए। भाई तू थोड़ा ना चला रहे कंपनी को जो बार बार रिकंस्ट्रक्शन हो, मुझे बताइए, क्लियर है? तो सर अगर मैं बात करूं, क्या हमारा लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है, लेकिन अभी इसके अंदर और भी बातें आई है, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। भाई मैं ना क्लास छोड़ने वाला था, फिर मुझे पता लगा कि भाई 2 घंटे ट्रैवल करके मुझे लगा बेचारे इतनी दूर से आए हैं, 1.5 घंटा तो ले ले क्लास कम से कम। हाँ ये तो लक्ष्य यार, तू बैग पैक कर लिया यार तूने? हाँ हाँ, अरे लक्ष्य पढ़ने वाला बच्चा भाई एकदम। एक क्वेश्चन करेंगे यार, कुछ ज़्यादा नहीं। एक क्वेश्चन। अब तुम भाई ग्रुप 2 में अब सीनियर हो गए अभी तुम, अभी अब ना वो मत करो, अब ख़त्म, जाना है घर जाना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं एक बार। आपको कुछ होमवर्क नहीं दूंगा, दो क्लास जब बोल दूंगा तो सारा होमवर्क मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, बहुत ही आसान है ये, देखते हैं। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर विन लिमिटेड, एक कंपनी है विन लिमिटेड, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका, ठीक है। क्या स्कीम है जी? पहला पॉइंट, द शेयर होल्डर टू रिसीव इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग ऑफ 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। तो पहली बात तो भाई शेयर होल्डर के पास 1 लाख शेयर है 10 रुपये के हिसाब से, इन ल्यू, तो उनको इस होल्डिंग को हटा दिया जाएगा। इन ल्यू का मतलब होता है इसके बजाय आपको क्या मिल जाएगा, न्यू फुली पेड अप ₹10 इक्विटी शेयर इक्वल टू 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग। उनका होल्डिंग कितना है टेक्निकली, अगर मैं शेयर्स की बात करूँ, अमाउंट छोड़ देते हैं 1 लाख, हाँ तो हाँ ठीक है, टोटल लेवल पे ले लो 10 लाख, तो 10 लाख का 3/5 क्या हो गया 6 लाख, तो 6 लाख के इनको 10 रुपये के शेयर मिल जाएंगे, तो टोटल शेयर कितने मिल जाएंगे 60,000। 6 लाख का सामान मिल रहा ना शेयर्स पे, तो 60,000 मिल गए। एक तो 1 लाख के शेयर तुमसे ले लिया मैंने, और मैंने तुमको क्या दे दिया अभी 60,000। आगे सुन लो, 10% प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड अप, तो इनको प्रेफरेंस शेयर भी दिया जा रहा है टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर। तुमने ऊपर कितने के इक्विटी शेयर दिए इनको 6 लाख, उसका 1/5 तुम और दे रहे हो उनको इन द नेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो 6 लाख का 1/5 कितना हुआ, 6 लाख का 1/5 1,20,000, 1,20,000 सुना था मैं, 3,20,000 सुना था, ठीक है। हाँ मैडम, मतलब 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 ना। हाँ जी मैडम, 1 लाख शेयर थे ना इक्विटी, ओ नहीं नहीं वो ये कह रहे हैं ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर, न्यू इक्विटी शेयर कितने हैं है ना, तो 60,000 का 1/5 कितना हुआ 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स दोगे आप 10 ईच के। और क्या मिल रहा है बच्चे, ₹40,000 डिबेंचर। मेरा आपसे सवाल है, पहले वाले पॉइंट के हिसाब से तुमने 6 लाख दिया, दूसरे वाले पॉइंट के हिसाब से 1,20,000 दिया, और इसमें 40,000 दिया, तो कितना हो गया टोटल 7,60,000, 2,40,000 का नुकसान रिकंस्ट्रक्शन में, 2,40,000 चला जाएगा नुकसान में, कंपनी को फायदा हो गया, ठीक है। तो आइए, अच्छा एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इशू ऑफ ₹1,00,000, जब भी रुपीज लिखा होता है ना बेटा, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, ये रुपीज है, तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू पार वैल्यू होता है। 10% फर्स्ट डिबेंचर, सर फर्स्ट डिबेंचर क्या होता है बता दूंगा अगली क्लास में, वॉज मेड एंड अलॉटेड पेमेंट फॉर द सेम रिसीव्ड इन कैश। सर जी यहाँ कोई डीलिंग चल रही है, बस इशू हुआ है, बस कैश अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर, कोई नुकसान को फायदा कुछ नहीं। गुडविल विच स्टूड एट 142 भी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, कैंट्री डालूंगा रिकंस्ट्रक्शन टू गुडविल। प्लांट एंड मशीनरी विच स्टूड एट 2 लाख रिटर्न डाउन टू 150, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू प्लांट एंड मशीनरी 50,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी विच स्टूड एट 150 वॉज रिटर्न डाउन टू 50,000, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू फ्री होल्ड 1 लाख। You are required to draw necessary journal entries. Sorry, buy लिखा हुआ है, सर ठीक है, रिटर्न डाउन बाय है, तो बड़ा ध्यान रखना आपको। You are required to draw up necessary journal entries in the books of when limited for the above. Suitable narration should be form part of your answer. हो जाएगा क्वेश्चन, पहली एंट्री दिखा दूँ क्वेश्चन नंबर 1 की। हाँ जी जल्दी बोलो, मैं भी क्लास हूँ अभी बताऊँ, ठीक। हाँ जी, ये रहा जी कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, यही एंट्री तो देखने तुम्हें, मेन कैपिटल कितना था पूरा 10 लाख खत्म हो गया था, 60,000 × 10 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर 1:20, डिबेंचर 40,000, रिकंस्ट्रक्शन आपका 40,000, इसके बाद वो वाली नॉर्मल एंट्री है बैंक टू डिबेंचर और रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है साहब? तो सर जी यहाँ तक रखते हैं, और ऐसा कोशिश कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँगा आपका।